आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। हमने देखा है कि किस तरह कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर आम इंसानों का मदद कर रहे हैं। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मगर रानीगंज थाना के SI मेघनाथ मंडल ने सोमवार को शाम दिखाया कि पुलिस सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के प्रति भी कितनी सहानुभूति रखते हैं। इन दिनों कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी है, ऐसे में शहर की सड़कें कमोबेश खाली है। इसकी वजह से कुछ वाहन चालक ट्रैफिक के सभी नियमों को धत्ता बताते हुए वाहनों को तेज गति से चलाते हैं। सोमवार शाम को रानीगंज के नेताजी मोड़ के निकट ऐसे ही तेज गति से आ रहे एक कार ने एक बेजुबान बछड़ों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बछड़ा बुरी तरह घायल हो गए। उस वक्त वहाँ रानीगंज थाना की SI मेघनाथ मंडल मौजूद थे। उन्होंने फौरन वॉइसलेस नामक एक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मुखर्जी को फोन कर मौके पर बुला लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर मुखर्जी की संस्था की पिछले कई सालों से रानीगंज शहर के बेजुबान जानवरों को तीमारदारी करते आ रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी को जैसे ही मेघनाथ मंडल के जरिए खबर मिले, वो फौरन नेताजी मोड़ पहुंचे। कौन सा जगह से आ रहा हूँ? कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से आप जाइएगा कहाँ? तमिलनाडु गोइंग। आया किधर से? गोइंग बीआर टू तमिलनाडु। ओ नेम? मुत्तु। मुत्तु मुत्तु स्वामी। मुत्तु स्वामी छोटो बाछुर के एक्सीडेंट कर पालाना चेष्टा करें तो जहाँ पुलिस तत्परता है ट्रिटमेंट शुरू है। मेघनाथ बाबू उद्देश्य खबर पे हमें आसी। मेघनाथ पेशेंटे हमें गोरुटी ट्रिटमेंट करी। गोरुटी एम जथेष सुस्थ आज মানে কোনো ভয়ের কিছু নেই, গরু সুস্থ আছে। কিন্তু ঠিক টাইমে হ্যাঁ মেরে যাওয়ার মরে যাওয়ার চান্স খুবই বেশি ছিল, যেহেতু ক্লটিং শুরু হয়ে গেছিলো পেটের মধ্যে। পেট ওয়াশ প্লাস ইঞ্জেকশন যা দেওয়ার আমরা দিয়েছি, এখন সুস্থ, প্রায় সুস্থ। গরু হাঁটাচলা করে সবই করছে। হ্যাঁ কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে পুলিশের উপর যে ক্ষোভ দেখায় যে পুলিশ এই পুলিশ ওই, কিন্তু আজকে যেটা প্রমাণ হলো শুধু মানুষের জন্য পুলিশ নেই, রানীগঞ্জবাসীর কাছে যেটা প্রমাণ করে দিলেন পুলিশ আজকে যে জন্তু জানার জন্য পুলিশ রয়েছে 24 ঘন্টা ওদের সেবাতেও রয়েছে। তো আমি অসংখ্য জানাই রানীগঞ্জ থানাকে, অসংখ্য জানাই মেদন বাবুকে। আপনার নাম? 800 জন পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কুলটি বিজেপি পার্টির উদ্যোগে রাতের খাবারের ব্যবস্থা। কুলটি বিধানসভা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ডুবুডি বর্ডারে 400 জন পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে তৈরি করা খাবার খাওয়ানো হলো। রাতের খাবার রুটি তরকারি প্যাকেট বানিয়ে প্যাকেট করে 400 জন পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে কুলটি ব্লক বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ প্রতিনিধি কেশব পোদ্দার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় নির্দেশ অনুযায়ী अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिबुडी चेक पोस्ट पर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं इनके खाने के लिए जो पुख्ता खाने का रोटी सब्जी का बंदोबस्त किया गया है, और इसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुलटी के बराकर के सब लगे हुए हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं खुद जिला के सचिव हूँ और सांसद प्रतिनिधि हूँ बाबू सुब्रो साहब का। जितेंद्र राजवाड़ जी है, अमित घोष है, इंद्रजीत पाल है, सत्यजीत दास है, सौरभ चौरसिया, राजू यादव, अन्य सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में मीडिया का जो कवरेज है इसके कारण सब लोग को जागरूकता किया जा रहा है। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ। कितने लोगों को लगभग आप लोग तरफ से? आज का हम लोग कार्यक्रम 400 लोगों का करने का है और ये प्रतिदिन चलेगा। जितने भी जैसा परिस्थिति होगा उस परिस्थिति से हम लोग व्याकुल काम करेंगे। ये कब तक चलेगा? ये जब तक ये समस्या चलता रहेगा तब तक हमारा चलने का ये कार्यक्रम। अभी हम लोग ये तय किए हैं कि जब तक समस्या रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे सेवा पर। आपका नाम? मेरा नाम केशव पोद्दार है, डिस्ट्रिक्ट का सचिव हूँ अभी और सांसद प्रतिनिधि बाबू।